तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। आप लोग देख रहे हो शैडो शूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली बार का जो मुकाबला मेरा और बंटी के बीच में हुआ था 25,000 लाइक एम का, हम लोग उसमें 40,000 लाइक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। चल पंकज, एक और चैलेंज लगा, इस बार अगर तू 30,000 लाइक कंप्लीट कर लिया ना, फिर मैं तेरे सारे काम करूंगा। सुन बंटी, मैं तुझे अभी से बोलता हूँ, तू अभी से काम करना शुरू कर ले, क्योंकि तू हारने ही वाला है। ओके, तो दोस्तों ये बार हमको कुछ भी करके जीतना है। और हाँ यार, आप लोग इससे प्यारे प्यारे कमेंट देते रहो, क्योंकि ये मुझे आगे की वीडियो के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करते हैं यार। स्टेप 1, वर्ल्ड एफएफसी ग्लू वॉल को इक्विप करो। स्टेप 2, रोबो पेट को इक्विप करो। स्टेप 3, कोई भी मोड खेलो, और उसके बाद देखना रोबो का स्किल ग्लू वॉल से ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग मोड खेलने आ गए, और यहाँ पर से हम लोग अभी ग्लू वॉल उठाएंगे और ग्लू वॉल को यूज करेंगे, और फिर देखेंगे क्या रोबो पेट का स्किल ग्लू वॉल से ज्यादा बड़ा होता है। तो दोस्तों, आप लोग जैसे ना बोर हो, इसलिए मैं अभी अपने स्पीड को बिल्कुल डबल कर दिया। और चलो यार, अभी पहले अपना एक ग्लू वॉल ले लेते हैं, और फिर हम लोग ग्लू वॉल को यूज करके देखेंगे क्या सच में ऐसा कुछ बात है कि ऐसे झूठ मूठ में बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, देख सकते हो यार, यहाँ पर ग्लू वॉल इतना ज्यादा छोटा है, बट ये रोबो पेट का स्किल इतना ज्यादा बड़ा, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। आप वुकोंग के एबिलिटी को तब यूज करो जब आप रिवर पार कर रहे होते हो, और देखना आप पूरा गायब हो जाओगे। अच्छा जी, ऐसे भी होता है। ओके, तो चलो यार, अभी अपन पूरा समंदर पार करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसमें हमको क्या चेंज देखने को मिलता है। भाई जब हमने यहाँ पर नॉर्मल स्विम किया, तो हमको यहाँ पे थोड़ा सा वी कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। तो चलो यार, अभी वुकोंग के एबिलिटी को यूज करते हैं, और फिर स्विम करते हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज देखने को मिलता है। अरे भाई, ये क्या है भाई, ये बिल्कुल पानी के अंदर जा रहा है यार। तो हाँ यार, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 101% सच निकला। यहाँ पे जब आप लोग पानी में वुकोंग की एबिलिटी को यूज करोगे, तो आप पानी के अंदर बिल्कुल गायब हो जाओगे, एंड हेंस द मिथ इज कंफर्म्ड। A124 कैरेक्टर का हाइट सभी कैरेक्टर से ज्यादा है। अच्छा, ओके, तो चलो यार अभी कंपेयर कर लेते हैं अपने सभी कैरेक्टर के साथ A124 के हाइट को। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं ट्रेनिंग मोड पर, और देखो यार, आलोक और A124 जब साथ में खड़े होते हैं, भाई आलोक तो पिद्दी है यार, इसको छोड़ो, किसी और कैरेक्टर को लेके चले आते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे जब मैंने केली को ले आया A124 कैरेक्टर के साथ, तो यहाँ पर भाई मुझे केली ज्यादा हाइट लग रही है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि A124 कैरेक्टर सभी कैरेक्टर से हाइट वाला है, एंड हेंस द मिथ इज बस्टेड। पहले अल्ट्रा ग्राफिक्स और हाई एफपीएस में मैच को स्टार्ट करो, फिर देखो रैंक मैच जब स्टार्ट होता है, तो लेफ्ट साइड की ऊपर वाले तरफ आपको रैंक गेम तो दिखाई देता है, और उसके साथ आपका लोगो भी दिखाई देता है कि आप कौन से टायर पर हो। बट जब आप ये काम स्टैंडर्ड और स्मूथ ग्राफिक्स पे करते हो, तो आपको वहां पे सिर्फ रैंक गेम ही दिखाई देता है, वहां पे आपको आपका लोगो नहीं दिखाई देता है। तो देखो यार, यहाँ पे पहले हम लोग ला चुके हैं अपने स्मूथ ग्राफिक्स पर, और देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर वाले कॉर्नर पर रैंक गेम तो लिखा है, बट यहाँ पे कोई लोगो नहीं दिखा रहा है। तो चलो यार, अभी हम लोग जाते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स विद हाई एफपीएस पर, और देखते हैं क्या वहां पर कुछ इससे अलग एनिमेशन शो करता है कि बिल्कुल सेम ही है। We'll be right back.
देखो यार, जब हम लोग रैंक मैच को स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा ग्राफिक्स विद हाई एपीएस पर, तो वहां पे लेफ्ट साइड की ऊपर वाले कॉर्नर पे देखो यार, वहां पर हमारा लोगो भी दिखा रहा है रैंक मैच के साथ, जो कि हम कौन से टायर पर हैं। तो हाँ यार, तुम्हारा बात तो बिल्कुल 100% सच निकला, एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। अगर आप रैम्पेज 2.0 मोड में ग्रेनेड खरीदोगे तो आपके पास फ्लैशबैंग आएगा, और अगर आप उसको एनिमेशन से पहले अपने ऊपर यूज करते हो तो आपको अपना एनिमेशन भी शो नहीं करेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं रैम्पेज 2.0 मोड पर। तो देखो यार, यहाँ पे बाय करने का ऑप्शन आया, मैंने यहाँ पे फार्मर्स खरीदा, और देखो मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ पे फ्लैशबैंग आ गया। तो हाँ यार, तुम्हारा ये बात तो बिल्कुल 100% सच निकला। तो यहाँ पर हम लोग फ्लैशबैंग यूज किए और हमारा एनिमेशन भी हमको शो नहीं कर रहा है, देख सकते हो यार, बिल्कुल वाइट सा नजर आ रहा है। तो हाँ यार, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा बात बिल्कुल 101% सच निकला, एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। स्विम करते टाइम भी केली की एबिलिटी ऑन रहती है। अच्छा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, पानी में क्या केली भागती है। ओके, चलो यार, अभी करते हैं दूध का दूध और पानी का पानी। हम लोग अभी आ चुके हैं पानी के पास, तो चलो यार अभी चलते हैं पानी के अंदर, और देखो यार यहाँ पे अपना केली का एबिलिटी भी ऑन हो चुका है, बिल्कुल उसके कैरेक्टर एबिलिटी पे येलो कलर का जल रहा है। तो हाँ यार, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, एंड हिंस द मिथ इज कन्फर्म्ड। तो दोस्तों, होप करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो दोस्तों नीचे एक छोटा सा लाइक का बटन है, उसे दबा देना। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज यार वो सब्सक्राइब के बटन को दबाना, उसके साइड में एक बेल का आइकन बन के आएगा, उसको ऑल पर सेट करना, ठीक है। और हाँ यार, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके मिस पर भी वीडियो बने तो नीचे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, अगर आपको मिस याद नहीं तो भाई कोई बात नहीं यार, आपको तो पता है नीचे बहुत सारे मजेदार अमेजिंग से मिट्स लिखे हैं, जो मिट्स आपको ज्यादा पसंद आते हैं उस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ताकि हम लोग कल आप लोगों के लिए वो मिट्स लेके हाजिर हो सके। तो दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।